एक भारतीय परंपरा में हमेशा शुभ माना गया है और जो एक है वो सटीक है, विश्वास का प्रतीक भी है। आपके प्यार और विश्वास की वजह से क्राइम सस्पेंस क्राइम न्यूज में नंबर वन तो है ही, और आज हम हैं डबल नंबर वन, क्योंकि नंबर वन के पहले दो और जुड़ गया है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने 21वें वर्ष में। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ, क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। कानपुर में दो दिन से चल रही हड़ताल देर रात दिल्ली में हुए सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच समझौते के बाद समाप्त हो गई। देश भर में दो दिनों से चक्का जाम रहने से हर व्यक्ति और हर सामान, खाने पीने का हो चाहे पेट्रोल डीजल का, प्रभावित हो रहा था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। मंगलवार देर शाम ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच हुई वार्ता में निर्णय निकलने के बाद ट्रांसपोर्टरों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद देर रात से सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होने लगी। गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था वो अब सही मार्ग पर आने लगा। विगत दो दिनों से जिले में बहुत समस्याएं हो रही थी। खाने पीने के सामान में बढ़ोतरी के साथ डीजल पेट्रोल की किल्लत हो गई थी। मंगलवार को देर रात सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुए समझौते में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक ट्रांसपोर्टरों से बातचीत नहीं हो जाएगी, नया कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस बारे में सरकार की तरफ से ये जरूर बताया गया कि अगर कोई टेंडर में एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को 112 नंबर या पुलिस के कंट्रोल नंबर रूम के नंबर पर सूचना देनी पड़ेगी, जिससे उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी प्रावधान उत्पन्न नहीं होगा। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद।